क्या बात है भाई, माशाल्लाह से मुझे यहाँ पे भी मेरे व्यूअर्स मिल गए हुए, तो कहते हैं हमने आप ही आपके साथ वीडियो बनानी, 2000 को पकड़ के खड़े हुए भाई, क्या बात है। छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही सी प्यारी प्यारी सी फौज है, बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं यहाँ पे, बहुत प्यारे प्यारी जिंदाबाद, तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, कायम रखे, ठीक है। तो माशाल्लाह से मेरी देखो छोटी छोटी सी जनता मुझे मिल गई, मेरी युवा जारा की फैन मिल गई भाई, बहुत पाए पड़े थी मुझे, है ना भाई, लव यू भी बाय। ये तो वाकई बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बिग सरप्राइज है व्यूअर, मेरे लिए बहुत बड़ा बिग सरप्राइज है। इसकी ना मैं इच्छा बचपन से करती थी, ठीक है, सब कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ हमारे पास है, पर इसकी मैं ना ख्वाहिश बचपन से रखती, जब भी मैं देखती ना टीवी वगैरह में या टिकटॉक पे कहीं भी देखती थी, मैं सोचती थी मेरे पास क्यों नहीं है, मैं मम्मा से लड़ती थी मुझे मंगवा के दो, मुझे मंगवा के दो, मुझे मंगवा के दो, पर आज पापा ने सुन ही हो गई। दरअसल मैं बोलती हूँ तो मुझे फौरन चुप करवा देती है, इतनी ज्यादा बीमार थी मेरी बहू के आने से मेरी बेटी माशाल्लाह कदरे बेहतर हो गई, ऐसे दिल आजारियां नहीं क्या करो, किसी का दिल दुखाना भी बहुत बड़ा गुनाह है, ना लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं। मेरी बात सुने, आप मेरी एक वीडियो वॉच करें इसी चैनल पे, ये मुंह तोड़ जवाब, वो देखो वो वीडियो आप देखे, आप खुद कहेंगे कि हमारे में कितनी मतलब के मैं कितनी इससे राजी करने के लिए करते हैं। अब देखिए घरों में परेशानी अपने भी होती है, मैं भी अब आपको टेंशन नहीं दिखाऊंगी, आ हो गया नहीं, अंज हो गया, अंज हो गया, अंज हो गया, बन के बैठ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमजिन, मेरे यूट्यूब चैनल पे वेली कुड़ी मिल सकती है, अपना खराब होंगे अपने घरों में कुछ बर्बाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, नहीं प्यार से दुआओं के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज। तो आज हमें किस जगह पे, आप पीछे देख के कह रहे होंगे आप भी आज किस जगह पे आई हुई है, ठीक है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहा हूँ। इससे पहले आप मम्मा से जिसे सलाम दुआ कर ले, मम्मा मेरी शादी सदा खुश रहो आबाद रहो, अल्लाह पाक सबकी तकलीफें परेशानियां दूर करे, आमीन, खुशियों से घर भर दे, आमीन। तू भी बोलने को, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब, हम ठीक हैं, हाँ जी। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से मैं हूँ बाबा मेरे अली शाह हजरत रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे मौजूद, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोग भी ज़ियारत करें माशाल्लाह से, मैं आपको चारों जानिब का विज़िट करवाती हूँ, ठीक है। ये ना गोल शेप में है, ठीक है, तो यहाँ से गोल छोटा सा मज़ार है पर बहुत प्यारा है, यहाँ पे लोगों की मनते मुरादें पूरी होती हैं, ठीक है, तो लोग यहाँ पे मनते अपनी मुरादें करते हैं पूरी, तो यहाँ पे मैं आई हूँ आज माशाल्लाह से। मैंने लंगर तकसीम करना था, लंगर तो मैंने तकसीम कर दिया, और ढोल बेतहाशा बज रहा था भाई, तो भाई आज किया भाई, हाँ जी क्या हुआ, क्या हुआ, ये बच्चे मुझसे बात करने की स्टार्ट कर रहा था, मैंने कहा हाँ जी क्या हुआ, शायद ये बोल नहीं सकता, आई थिंक पता नहीं क्या मसला, नहीं बोल सकता शायद, मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे लोग चिरागा भी करते हैं माशाल्लाह से, देखें जैसे माँ बारगाह में होता है, घरों में होता है चिरागा, यहाँ पे भी लोग माशाल्लाह से चिरागा करते हैं, ठीक है। मैं आपको चार जन का विजिट करते, पहले भी मैंने वीडियो बनाई, पर ढोल इतना कोई बेतहाशा वाहना बज रहा था ना, पता नहीं क्यों लोग यहाँ पर ढोल क्यों बजाते होते, भाई इबादत की जगह है, इबादत करें, नाफिल पढ़े, दुआएं करें, ढोल बेतहाशा पीट दें भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बजाओ माशाल्लाह से। चारों जन का आप लोग विजिट करें, ठीक है। पहले जो है कि मैं तसल्ली से वीडियो नहीं बना सकी यहाँ पे ना, कुछ बता नहीं सकी, कुछ समझा नहीं सकी, ठीक है, कि हमारा वीडियो बनाने का मतलब ये होता है कि लोगों को समझ आए, यहाँ का पता लगे, ठीक है। माशाल्लाह से देखें, ये यहाँ पे है नमक मौजूद, यहाँ पे चाहिए इस नमक से शौक आयाब होते हैं लोग, ये नमक मैं अभी चले खा ही लेती हूँ, नहीं खानी, चलो अल्लाह पाक ने औलाद अता फरमाए, जितने भी औलाद हैं अल्लाह पाक सबको औलाद अता फरमाए, ठीक है। ये यहाँ पे लोग गले में पैसे भी डालते होते हैं, नहीं तू भी पाई, नहीं मेरा पर्स चलें, ठीक है। ये मज़ार है माशाल्लाह से, ही मैंने आपको टोटल यहाँ का मज़ार विजिट करवा दिया हुआ है। दोबारा हम मामा जी के पास आ गए हैं, मामा की पास आ गए, इसको किसने काट लिया क्या, था पीने के लिए, मामा जी को प्यास लग गई है। अच्छा जी, तो यहाँ का मैंने आपको विजिट करवाया, छोटा सा मज़ार है पर यहाँ पे लोगों की फरियादें पूरी होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं, ठीक है। तो आज मैंने जाना था इमाम बारगाह, तो मामा ने कहा कि आज नहीं, रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, यहाँ पे मैंने लंगर तकसीम किया, लंगर जब मैंने तकसीम किया ना, ये भाई लोग सुनमुखी हो गए बड़े प्यारे तरीके से, पर मैंने लंगर तकसीम कर दी मम्मा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, अच्छा वो जो हलवा हमें मिला था ना लंगर में, वो भी क्या, वो भी तकसीम हो गया भाई, मेरे पास हाथ में कुछ हो ना तो मैं कहती हूँ अगर कोई मांग रहा तो भाई मैं दे दूँ, कोई बात नहीं, खैर इंशाल्लाह जितनी मेरी हैसियत है उतना तो मैंने लंगर लगाया, पर मेरी ख्वाहिश है कि मैं प्रॉपर एक दस्तरखान लगाऊँ हर जुमेरात, ठीक है, अल्लाह जब देंगे अल्लाह पाक जितना हो सकेगा उतना करेंगे, दिल की ख्वाहिशें तो बहुत हैं, पर अल्लाह से दुआ है कि मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमा दी चावे, जितने भी बेचारे बेघर हैं अल्लाह पाक सभी बेघरों को अपना घर का, ये कोई बेचारा दुआ कर रहा है।
दुआ कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनकी दुआओं को कबूलो मंजूर अता फरमाए, सभी की दुआओं को कबूलो मंजूर अता फरमाए। तो अब मैं चलती हूँ, मम्मा घर चले, मम्मा जी को बहुत गर्मी लग रही है भाई, अब हम घर चलेंगे भाई, ठीक है। ढोल की वजह से हम इतना इरीटेट हुए हैं बहुत ज़्यादा इरीटेट हुए हैं। मैं जैसे कि पहले भी कहती, पता नहीं ढोल पीटने वाले क्या कॉन्सेप्ट होते हैं भाई। दुआएं करो यहाँ पे आके, नवाफिल पढ़ो यहाँ पे आके, ठीक है। चलो फिर अब हम चलते हैं घर, तो चलना नहीं चलना है जी। तो भाई क्या बात है भाई, माशाल्लाह से मुझे यहाँ पे भी मेरे व्यूवर्स मिल गए हुए हैं, तो कहते हैं हमने आप ही आपके साथ वीडियो बनानी, 2000 को पकड़ खड़े हुए हैं भाई, क्या बात है। छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी सी फौज है, बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं यहाँ पे, बहुत प्यारे प्यारी जिंदाबाद, तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, कायम रखे, ठीक है। तो माशाल्लाह से मेरी देखो छोटी छोटी सी जनता मुझे मिल गई, मेरी युवा ग्यारह की फैन मिल गई भाई, बहुत पाए पड़े थी मुझे भाई, लव यू वी बाय। तो भाई इन सब बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे मिलने के लिए आए हैं, ये भाई बहुत ज्यादा दुआएं कर रहे थे, अल्लाह पाक इनकी दुआओं को कबूलो मंजूर अता फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत प्यारी प्यारी इन्होंने दुआएं की है, वो शायद आप सुना सुनी हो, अल्लाह पाक इन सब की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। 6.5 hours later. जी तो व्यूअर्स अब हम घर आ चुके हैं, ठीक है। तो घर तो हम काफी देर के आ चुके हैं, पर ना सर में इतना शदीद दर्द हो गया था ना ढोल की आवाज से कि सर फटने वाला हो गया था। मम्मा आपका क्या बना? ये तो बाबू ज्यादा कर, एक तो गर्मी ऊपर से डम 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 पसीना पसीन हो, बाद नहीं आ रहे। रमेश इशारा भी करी आज से रुक जाओ, क्या रुके थे भाई, अपनी मर्जी से चुप करके गए। अब क्या कहती है, एक तो कोड़ ऊपर से खुजली बहुत, मैं कह रही हूँ डम 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 काफी था ना, गर्मी भी ज्यादा पूछा मैंने कुछ इनकी मम्मा भी आई हुई थी उधर, ये बहुत हैप्पी हो गई देखकर, है ना, फिर इनको ढोल की आवाज भी नहीं सुनी, सभी हैप्पी हो गए। हाँ जी को देख के, हाँ जी हाँ जी। तो पापा जी आ गए हैं भाई, हेलो हाय व्यूअर, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, दुनिया जहान की तमाम खुशियां आपको। पापा पेटी बजाने लगे, ये चार बैंड का रेडियो क्या है ये, आपने मुझे बहुत जल्दी में बुलाया कि आप आ जाओ जल्दी, बिग सरप्राइज आपके लिए। नहीं मैं ना लंगर तकसीम कर रही थी उधर, फिर ना मतलब के गैस करो आप, कुछ फ्रेंड्स भी मिल गए थे, कुछ मतलब के थोड़ी सा मसरूफियत थी, तो पापा ने कहा जल्दी से आ जाओ बिग सरप्राइज है, तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ, मैं फिर 100 की स्पीड में पहुंची घर। क्या सरप्राइज, क्या हो सकता मम्मा, मैंने तो आपको पहले ही बताया था रास्ते पे आते हुए, आपको क्या लगता है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, बोल पे। मुझे खुद भी नहीं कुछ मालूम है, तो क्या चादर ढकी हुई है। क्या मैं क्या बोला तूने, ये पहले क्या, अच्छा पहले से आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, आप तो घर पे ही थे, पान चाली आया होगा इतना सारा पान चालिया। चलो पापा आप दिखाएं क्या है। हाँ जी आप गैस करो, मैंने बता दिया ये गैस नहीं करेंगे, इनको गैस हो रही है। क्यों मुझे गैस हो रही है, आज मैं ठीक हूँ। अभी दर्द है दांत में? नहीं है, वो हल्का फुल्का बुखार है। दिखाएं जी, दिखाएं 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 दिखाएं, क्या है क्या, वारे वाह, ओ वाह, ये तो वाकई बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बिग सरप्राइज है व्यूअर, मेरे लिए बहुत बड़ा बिग सरप्राइज है। इसकी ना मैं इच्छा बचपन से करती थी, ठीक है, सब कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ हमारे पास है, पर इसकी मैं ना ख्वाहिश बचपन से रखती, जब भी मैं देखती थी ना टीवी वगैरह में या टिकटॉक पे कहीं भी देखती थी, मैं सोचती थी मेरे पास क्यों नहीं है, मैं मम्मा से लड़ती थी मुझे मंगवा के दो, मुझे मंगवा के दो, मुझे मंगवा के दो, पर आज पापा ने सुन ही लियो, अनबॉक्सिंग कर लो। हाँ कर लो कर लो कर लो, miracle यो है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, थारो गिफ्ट, हाँ यो से थारो गिफ्ट, अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा, ये इसका वो चुरी छारनी नहीं नहीं ये साइलेड और साइलेड बनाने, सलाद बनाने वाला, चिप्स वगैरह बनाने का, पर इतने हमारे हाथ नहीं टूटे हुए, मैं नहीं इसको यूज करूंगी, मैं संभाल कर रखूंगी, कंजूस बंदी, नहीं नहीं जब हम एक काम हाथों से कर सकते हैं तो हम क्यों मशीनरी की मदद से, बात तो सही है चिप्स बनानी है आपने तो ये ऐसे जाएगा, जब अच्छा, आपने उसको प्याज वगैरह गाजर वगैरह करना,
सही हो गया। अच्छा जी, दोनों बेटियों के लिए कुछ तोहफा है। वाह, बाकी भाई बहुत जबरदस्त है। कितना लग गया? नहीं बहुत जबरदस्त है ना, पसंद है आपको? ये आप कैसी वाजिन कर रही हूँ? ये इसकी मशीन है। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। अपने पापा के लिए दुआ करो, उनका अल्लाह खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, लंबी जिंदगी। मेरे पापा ने ना मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, चाहे वो जैसी भी ख्वाहिश नसीब करें। क्या अल्लाह पाक तुम दोनों बहनों को अनाना नसीब करें। ओके, अच्छा इसके ऊपर लगे मीनारे पाकिस्तान। अच्छा जी, मीनारे पाकिस्तान। और इसके ऊपर वाला ये तो मैंने कभी चलाया ही नहीं, मैंने सिर्फ देखा ही है। बहुत वैसे अच्छा करती थी। आम चौपर जो है ना, उनमें जो होता है वो पाओ डेढ़ पाओ के लिए होता है, पर हम लोग ना आदमखोर है, हमने सारी चीजें ली हमने सब। ये इन्होंने बनाया है तकरीबन किलो डेढ़ किलो के लिए, मतलब आराम से हो सकता है जितना हम लोग खाते हैं। ये इसका ब्लेड। अच्छा ठीक है, अब ये अच्छा, सही हो गया। ये इसको इसके ऊपर रेस्ट किया जाएगा। ये सही हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अपने कमेंट में बताना है कैसा है, जितने आपके कमेंट्स आएंगे फिर हम इसको ना वो लेके देंगे, वो जिसमें कटे गाजर का जूस बनवे है। कैसे करके बनाते हैं? ये खुल गया। अब ये इसे ऐसे लॉक करना, जब तक ये लॉक नहीं होगा ये सही बनाएगा नहीं। ठीक है, सही है, सही। और ये सही। इसका ब्रेड लग गया। ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसका हमने मेरा मशवरा ये है कि ये चीज इसके जेस के लिए रख दी जाए। मैं घर में आग लगा दूंगी। नहीं मैं हर चीज को आग लगा दूंगी, पर मैं दहेज में नहीं रखूंगी। ना मैंने ब्याह करना है, ना हो सकता है, ना ये कभी जिंदगी में होगा। बेटियां तो सबकी चाहती है शादी। हाँ जी, बात तो सही है, पर मैं बेटी नहीं हूँ ना, मैं जाऊंगी। अल्लाह पाक तुझे जल्दी जल्दी ठीक कर दे, फिर तेरी शादी इंशाल्लाह गज वज के करेंगे। अच्छा, पर फिलहाल मैं अपने घर वालों के साथ बहुत खुश हूँ। ये इसका दूसरा ऑप्शन है, ये चिप्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, ये इसके ऊपर ये जी चाहे तो चिप्स बना लो, जी चाहे तो कीमा बना लो। ये ऐसे करके ये लॉक हो गया। अच्छा जी, ये ऊपर ये है इसका। ये अच्छा, वो मतलब कोई चीज अपने जैसे कोई ज्यादा डल जाती है। हाँ, यहाँ पर है, देखो कि तो इससे आप ये इसको अच्छा, वो फिर अंदर चले जाएगी। हाँ, ये इसका ये। अच्छा 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 अच्छा, सही है। तो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी। जब भी मैं देखती थी ना टिकटॉक वगैरह पे या कहीं मैं यूट्यूब पे देखती थी, मैं मम्मा से जो करती थी मुझे लेके ही दो। मम्मा कहती थी दफा हो परे, दहेज में रखूंगी तेरे लेके फूड फैक्ट्री। आगे मैंने सारी चीजें निकाल के यूज कर ली। भाई जिंदगी का कोई पता नहीं है, मैं वैसे भी मार हूँ, पता नहीं हम जीते हैं नहीं जीते, आने वाला कल नसीब होगा। मैं अपनी जिंदगी खुल के जीना चाहती हूँ, जितने मेरे पास दिन है मैं खुल के जीना चाहती हूँ। मैं कोई ख्वाहिश अपने दिल में नहीं रखना चाहती। अल्लाह पाक जब भी कुछ होगा तो अल्लाह पाक नसीब के हिसाब से सब कुछ दे देता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो बाकी कल का सोचने से बेहतर आज का सोचें, जो आज है वो हमारे पास है, वो आज है। माँ बाप तो सब बेटी यही सोचते हैं, चाहे जितने मर्जी अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, वो यही सोचते हैं हम अपनी बच्ची को अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ देख ही दे रहे हैं। ऐसे तो मेरी मम्मा ने बहुत ढेर लगाया हुआ, मम्मा ने माशाल्लाह से पूरी गैलरी भर दी हुई थी। ठीक है, वो मैंने हल्की हल्की ओली करी है। एक माह 10 दिन या 9 दिन बाद बकरा ईद आएगी, तो इसके लिए आप बाहर जाते हो जी, वहाँ पर सारा कुछ पीस देते हैं, पापा मच्छर मक्खी सब कुछ पीस देते हैं। चलो वो कहीं का लैदा मैटर है ना, अब ये कि आपका मैटर है घर पे है, ये घर पे आपको तसल्ली है कि हाँ अपनी मर्जी से। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये आपकी चीज है, दिल से इसे आपने क्या से चलाना है, ये हम यूज नहीं करेंगे छानना। इसको जेब में रख दो, बल्कि अच्छी बात है, ये मैं उठा के बाहर फेंक दूंगी इसे। बाहर फेंक, हाँ। अच्छा, तो ये छानना हम यूज नहीं करेंगे पापा, ठीक है, सिर्फ हम जिसमें जस्ट कीमा बनाया करेंगे, ठीक है, या शामियों को मटेरियल पीसा करेंगे। भाई आप आज बहुत वाहियात आवाज निकाल रही, क्या हो गया आपको? ये नहीं निकाल रही, मेरी आवाज नहीं है, इनकी आवाज है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ओ भाई छोटी सी काकी नहीं है ये भी? अच्छा, इतनी प्यारी आवाज है। तो आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं, आप क्यों कैसे जल्दी 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 आज जल्दी आज जल्दी आज शोरगुल क्यों नहीं हो रहा है? आज शोरगुल क्यों नहीं हो रहा व्लॉग में? इतना तमीजदार व्लॉग गुजर रहा है ना, डिसेंट व्लॉग लग रहा है। मेरा बच्चा काम पे से देर से आएगा तो यूं कहेगी तो मैंने क्या कहा? मैंने यही कहा कि आज डिसेंट व्लॉग लग रहा है। कोई तेरे कानों में चुटकियां नहीं मार रहा, कोई तेरे को छेड़ नहीं रहा, तंग नहीं कर रहा।
और इसके साथ क्या सीन हुआ ना, अच्छा एक और मैं स्पेशल आपको बताऊं क्या सीन हुआ है। चलो चुप कर जा। आप खुद बताओ। नहीं मैं तो नहीं बता रही, भाभी के तोते उड़ गए। मैं मुंह देखने लग गए भाई क्या कह रही है आंटी। आपने समझा नहीं कि उसने जो दुआ दिए ना वो इसलिए कि देगा आपको भी अल्लाह ताला। अरे पापा बहू के लिए कहा उसे, समझे नहीं आप। अल्लाह की कसम वो कह कि खुद बाद में शर्मिंदा ही कहती हाय नहीं माँ सॉरी सॉरी बाजी मैं समझी कि तुहाडे बच्चे नहीं है। मेरे मम्मा को कहती कितने साल हो गए ना तेरे ब्याह नू। मम्मा कहती भाई कितने 35 साल। अरे 3 साल का उसके 3 साल कहती 80 साल 80 साल कहती हजे तक तेरे औलाद नहीं। सर पे हाथ रख के मम्मा कहती अल्लाह तेन देसी औलाद। मैं हैरान हो गई, मतलब सफेद बाल नहीं दिख रहे, व्हील चेयर पे नहीं दिख रहे, क्या हो गया। मैंने फिर उन्हें समझाया, मैंने कहा क्या हो गया, मैं कहा आप होश में तो है, मैंने कहा मैं इनकी बेटी हूँ ये पीछे बहू है इनकी। तो फिर कहती हाय नहीं बाजी सॉरी कहती मैं गलता लग गया कहती अल्लाह तेरी नूह नू दवे। तो आपको क्या हो गया था, इतनी अग्रेसिव हो गई थी। बेटी की भी शादी करेगा अल्लाह पाक उसको भी। अच्छा बात सुनो, मेरी बात सुनो, लड़कियां हो भी जाती हैं। इतनी अग्रेसिव क्यों हो गई थी आप, तो आग बबूला हो गई थी एकदम से। गुस्से की बात है, इस उम्र में बच्चा पैदा करवा रही ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। ऐसा भी नहीं है, कोई नहीं मेरी मम्मा ऐसी। अच्छा गोद में थी ना मम्मा की गिफ्ट हैम्पर, और इसको तो लोगों ने इतने शॉपर बर्बर के दिए ना, पैसे तक भी दिए हैं इसको। हाँ मैं कह रही पागल हो गए लोग इसे देख के, इसके तो मेरे से ज्यादा इसके फैन है भाई, वो इसे पहचान देते हैं। 2000 तो पहचान गए जो आ गए। हाँ वेली कुड़ी जिंदाबाद, वेली कुड़ी जिंदाबाद। भाई मुझे पहचानते कोई नहीं है, इसकी बड़ी पहचान है। इसको मैं इसलिए नहीं कहीं लेके जाता। अच्छा जी, तो मम्मा मेरा सर दर्द से फट रहा है, अभी पंखा कब चलाओगी आप? जो ब्लॉग बंद करोगी आप, एक वो जो है ना फैन फॉलिंग, इनको शोर नहीं ना जाना। भाई फैन में बेहोश होने वाली हो जाती, ब्लॉग बनाते पंखा बंद करके, ब्लॉग बनता ही नहीं। क्या करें क्या करें, चलो कोई बात नहीं, खैर है ठीक है। व्यूअर्स तो आज मेरा गिफ्ट आपको कैसा लगा मुझे खास तौर पे कमेंट्स में भी देखा। थैंक यू सो मच पापा एंड आई लव यू। थैंक यू बोलनी। थैंक यू अबू जी। जब शादी कराई थी ना बड़ा बोलती थी, भूल गई थी इसको। मम्मा भूल गई अपने भाई की शादी करी है, ये ऊपर से आवाजें लगाई थी। पापा मैंने कहा दफा तो ना अबू जी। हाँ बेटा जी, हाँ बेटा जी, ये सुबह सुबह पापा को बड़ी आवाज लगाती है। अबू जी थैंक यू अबू जी, बहुत प्यारा लगा मुझे गिफ्ट, मैं इसकी ना बहुत इच्छा रखती थी। पर आज ही मुझे मिल गया, ख्वाहिश थी मुझे, बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे पास हो चॉपर। तो मैं किसकी चटनी बनाऊँ, नारियल की चटनी बनाऊँ, मैं हर चीज करूँ, ऐसे करूँ ऐसे करूँ, क्योंकि पानी डाल के जब ग्राइंड हो जाता है ग्राइंडर पे, दिल करता है मैं 6 चप्पलें मारूँ रख के पानी वाले मुझे जिस दिन नहीं चलती। नहीं नहीं पर मैं उसे इतना यूज नहीं करती। अब बताओ मैं मसाला हाथ से पीसती हूँ, मसाला हाथ से पीसती, लेकिन फिर भी वो भी जरूरत की चीज। मैं ना नींबू के दौर की हूँ। अच्छा क्योंकि मुझे ना ही पसंद आता है ना, मतलब कि ग्राइंडर ग्राउंडर वाली चीजें मुझे नहीं पसंद आती होगी, तो मैं ज्यादातर अपने हाथों को तरजीह देती हूँ। मेरी भाभी भी माशाल्लाह से, मम्मा भी और मैं भी, हम हार्ड वर्क पसंद करते हैं, अपने हाथों से मेहनत करना पसंद करते हैं। जिसने आज व्लॉग में कहा है ना कि भाभी के साथ चाहत से बोला करो, ये किया करो, वो करा करो, तो जरा मेरा भाभी जाना आप जरा खुद जरा जेर गौर करवाए उनको कि ना लोग वैसे ही टेंशनों के मारे होते हैं, ये सब कुछ आपको खुश करने के लिए किया जाता है। आप दिल से सोचे, दिमाग से सोचा करो, क्या कहते दिल से नहीं सोचा करो, दो बल्कि दोनों चीजों से सोचा करो, इतनी घटिया सोच नहीं रखते। हर घर में होता है ये प्यार की लड़ाई होती है, मीठी नोक झोंक होती है, अकल से काम लिया करो, ऐसे कमेंट्स ना किया करो जो अगले बंदे का भी दिल टूट जाए। अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, अपने वीडियो बनाए ना कि दिल तोड़ के बैठ जाए, फिर जो थोड़ा बहुत आप हंसते हो या कुछ होते हो उससे भी चले जाओगे, लिहाजा अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो। अब देखिए टेंशन है तो सब करोगे। बात यह है कि आप ड्रामा देखते हो ना, तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव किरदार होते हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा हाँ वो एक ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने व्यूअर के लिए, ऑडियंस के लिए फन मस्ती जो भी है वो पेश करना होता है, ये समझे कि एक ड्रामा ही होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, होता है एक दूसरे से प्यार करती है, अल्लाह खुश रखे मेरी बहू को भी, इतनी चाहत करती है वो, फैमिली इंटरटेनमेंट है। इधर कर, इतनी वो हमारे से चाहत करती है कि बहुत ज्यादा, शायद वो अपनी बहनों से भी इतना प्यार नहीं करती जितना मुझसे करती है। और ये इतना प्यार करती है
कि शायद इसकी अपनी सगी बहन भी होती तो उससे ना अपने लिए कोई चीज नहीं लाती, लेकिन जितना मैं बीमार थी अब मैं ठीक हो गई। जरा सा मैं बोलती हूँ तो मुझे फौरन चुप करवा देती है। इतनी ज्यादा बीमार थी मेरी बहू के आने से मेरी बेटी माशाल्लाह कदरे बेहतर हो गई। ऐसे दिल आजारियां नहीं क्या करो, किसी का दिल दुखाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। ना लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं। मेरी बात सुने, आप मेरी एक वीडियो वॉच करें, इसी चैनल पे है मुंह तोड़ जवाब, वो देखो, वो वीडियो आप देखे, आप खुद कहेंगे कि हमारे में कितनी मतलब के मैं कितनी करने के लिए करते। अब देखिए घरों में परेशानी अपने भी होती है, मैं भी अब आपको टेंशन नहीं दिखाऊंगी, यहाँ हो गया नहीं, अंज हो गया, अंज हो गया, अंज हो गया, बन के तो फिर क्या बनेगा आपको भाई। हमारे घरों में भी टेंशन आगे से ये भी अपने से आप ही सुना रही है, तो कोई नहीं, मैं आपको हैप्पी करना चाहती हूँ, आपको दिल खुश करना चाहती हूँ। अगर आपको बुरी लगी हो हमारी ये बात तो हमसे सॉरी, ठीक है। अगर आपके दिल को कोई दुख पहुंचा तो मैं आपसे सॉरी। लगती है तो वीडियो वॉच किया करो, नहीं तो आपकी मर्जी, हम आपके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना बेटा। जो हमारा काम है वो तो हमने करना ही करना है। बिल्कुल, हाँ जी, लिहाजा अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार की उम्मीद रखते हैं, ठीक है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और प्यार की उम्मीद रखती हूँ। बुरे भी करो, इतने ज्यादा भी बुरे ना करो, कोई बात नहीं। तो ठीक है व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो आपको पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि नो मार देते मेरे मुंह से, ऑफ द कैमरा मैन का मुंह नोच लूंगी। तो चलो, गुब्बारा फोड़ने लगी थी अभी, चीकू चीकू, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हम एक दूसरे से बार बार मिलते रहे। इसके लिए इसके साथ दीजिए मुझे इजाजत, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।